एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस नॉलेज प्लस। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द क्रूसेड्स। अब क्रूसेड्स का क्या मतलब है? क्रूसेड्स का मतलब हो गया धर्म युद्ध। मतलब धर्मों से आप लोग क्या समझते हैं स्टूडेंट्स, रिलीजन से क्या समझते हैं? यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक धर्म के बारे में, इस्लाम धर्म के बारे में, इस्लाम रिलीजन के बारे में। तो ये जो इस्लाम रिलीजन है, ये कहाँ कहाँ फैला हुआ था, कहाँ कहाँ स्प्रेडेड था? तो देखिए, हमें पता ही है कि कहाँ कहाँ जो है इस्लाम धर्म स्प्रेड हो रहा था, इस्लाम रिलीजन फैल रहा था। तो वो फैला था अरब में, ईरान में, इराक में, कुछ पार्ट्स सायरिया में, इजिप्ट में, अफ़गानिस्तान में। तो यहाँ यहाँ क्या हो रहा था, इस्लाम धर्म इवॉल्व हो रहा था। तो देखिए स्टूडेंट्स, धर्म युद्ध यानी कि क्रूसेड्स का क्या मतलब है? तो हम इससे समझ सकते हैं कि धर्म युद्ध यानी कि दो धर्मों के बीच में बैटल, दो धर्मों के बीच युद्ध। तो आपको ये भी अनुमान लग गया होना चाहिए स्टूडेंट्स कि एक धर्म तो क्या हो गया, एक धर्म, एक रिलीजन हमारे पास हो गया इस्लाम। तो इस्लाम क्या कर रहा है, ग्रो हो रहा है। तो हमारे पास दूसरा जो रिलीजन ग्रो होने की कोशिश कर रहा है वो है क्रिश्चियन रिलीजन। कौन सा है बच्चों? क्रिश्चियन रिलीजन। अब देखिए, इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन धर्म के बीच में जो युद्ध हुआ उसे ही हमने क्या बोल दिया, उसे ही हमने धर्म युद्ध बोल दिया, क्रूसेड बोल दिया। देखिए स्टूडेंट्स, मिडाइवल इस्लामिक सोसाइटी के अंदर यानी कि मध्यकालीन ऐतिहासिक इस्लामिक समाजों के अंदर, ये आपको कंफ्यूज कर गया होगा, मैं फिर बोल देती हूँ कि मतलब मिडाइवल इस्लामिक वर्ल्ड में, मिडाइवल इस्लामिक वर्ल्ड कैसे हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की, और ये टाइम पीरियड चल रहा है मिडाइवल हिस्ट्री का, ठीक है। तो ये जो मिडाइवल इस्लामिक सोसाइटी है, इसमें हम बात कर रहे हैं कि जो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियंस को क्या कहा जाता था, कैसे बोला जाता था उनको, तो उनको माना जाता था पीपल ऑफ द बुक, यानी कि पुस्तक का जनक जो है किसे माना जाता था, क्रिश्चियंस को माना गया है। अब इन्हें पीपल ऑफ द बुक क्यों कहा जाता था? तो वो इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनके खुद के क्या होते थे, धर्म ग्रंथ होते थे, रिलीजन बेस्ड जो थी इनके बुक्स होती थी, एपिक होते थे। देखिए स्टूडेंट, जैसे हमने पढ़ा था बेजेंटाइन एम्पायर के बारे में, तो एट प्रेजेंट जो बेजेंटाइन एम्पायर है वो क्या है, हमारा इटली है। तो ये माना जाता था कि क्रिश्चियन लोगों की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन, क्रिश्चियन लोगों की ज़्यादातर बात हमें सामने आई है, तो वो कहाँ से आई है, बेजेंटाइन एम्पायर से आई है। वो यहीं पर क्या होते थे, इवॉल्व हुए थे, यहीं रहते थे। देखिए क्रिश्चियन लोग जितने भी थे, भले ही वो किसी भी इलाके में रहते हों, भले ही वो व्यापारी के तौर पर, मर्चेंट के तौर पर रहते हों, या फिर पिलिग्रिम्स के तौर पर रहते हों, या फिर एम्बेसडर के तौर पर, एम्बेसडर होता है राजदूत, या फिर यात्रियों के तौर पर, तो अगर कोई भी क्रिश्चियन किसी भी तौर पर, किसी भी तरीके से इस्लाम सोसाइटी में रहता था, मुस्लिम स्टेट्स में रहता था, तो उनको किसी भी टाइप का खतरा जो है नहीं उठाना पड़ता था। देखिए, कहने का मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इस्लाम धर्म भले ही किसी भी रीजन में फैला हो और वहाँ पर ये क्रिश्चियन लोग रहते थे, तो उनको पूरी तरह से सेफ गार्ड किया जाता था, उनको सेफ फील करवाया जाता था। अब मुस्लिम लोग, इस्लाम धर्म के लोग क्यों क्रिश्चियंस की मदद करते थे? क्योंकि तब सबको पता था कि जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम रिलीजन है, वही फैल रहा है, क्रिश्चियनिटी तो दूर दूर तक कहीं भी नहीं थी। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो दिक्कत कहाँ अराइज हुई, प्रॉब्लम कहाँ आई? तो स्टार्टिंग फेज में, बिगनिंग में तो किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आई, बट जब जेरूसलम को जीत लिया गया था, ठीक है, जेरूसलम को जब जीत लिया गया था, तो और जेरूसलम क्या था, क्रिश्चियनिटी का सबसे पवित्र स्थल माना जाता था, सबसे पवित्र भूमि कंसीडर की जाती थी, और जेरूसलम क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत ज़्यादा क्या था, इम्पोर्टेंट था। इसलिए देखिए, 11th सेंचुरी आते आते मुस्लिम लोगों के लिए वर्ल्ड में, वर्ल्ड के लोगों में क्या होने लग गई थी, नफ़रत होने लग गई थी, क्या फैलने हो लग गई थी, दुश्मनी फैलने लग गई थी, किनके प्रति, मुस्लिम्स के प्रति। कहाँ पर, वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में क्या होने लगा था कि मुस्लिम्स के प्रति जो है नफ़रत जो है ज़्यादा फैलने लग गई थी। देखिए क्रिश्चियनिटी के वाले भी लोग क्या चाहते थे कि उनका जो धर्म है, उनका जो रिलीजन है क्रिश्चियन, वो भी क्या हो, धीरे धीरे ग्रो हो जाए।
देखिए क्या हुआ, 11th सेंचुरी जब आ गई थी तो क्या होना स्टार्ट हो गया था, जो ये हमारा इस्लाम रिलीजन है, इस्लाम रिलीजन ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था कि जहाँ जहाँ इस्लाम रिलीजन फैल रहा था, ईरान, इराक, बेजेंटाइन एम्पायर, वहाँ वहाँ इस्लाम धर्म वालों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाना स्टार्ट कर दिया था, और साथ में ही सोशल और जो इकोनॉमिक चेंजेस करने स्टार्ट कर दिए थे इस्लामियों ने, इस्लाम रिलीजन को फॉलो करने वालों ने। अब इसी वजह से क्या था कि जो क्रिश्चियन वाले लोग थे, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले लोग थे, वो किनसे उनकी लड़ाई स्टार्ट हो गई, तो इस्लाम धर्म को फॉलो करने वालों लोगों के साथ क्रिश्चियन की क्या हो गई, लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई, वो एक दूसरे से नफरत करने लग गए। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में क्रूसेड को समझाऊं तो क्रूसेड क्या थी, एक ऐसी लड़ाई थी, एक ऐसी वॉर थी जो किसके द्वारा लड़ी जा रही थी, क्रिश्चियंस के द्वारा लड़ी जा रही थी, किनके खिलाफ, मुस्लिम्स के खिलाफ। अब वो मुस्लिम्स के खिलाफ क्यों लड़ रहे थे, क्योंकि क्रिश्चियंस चाहते थे कि जो उनकी पवित्र स्थल है फलिस्तान, उसको क्या कर दें, हमेशा के लिए फ्री कर दें, कौन कर दें, मुस्लिम पीपल। इसलिए उस समय जो क्रिश्चियन है उन्होंने इस्लाम धर्म वालों के खिलाफ जो है युद्ध लड़ा। अब ये प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि 1076 में क्या हुआ, जो सेल्जुक टर्क्स हैं उन्होंने जेरूसलम पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था, और उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, ईसाइयों पर टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया था, अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया था, किन्होंने, सेल्जुक टर्क्स ने। अब देखिए जेरूसलम क्या है, जेरूसलम एक फलिस्तान का हिस्सा था, एक पार्ट था, इसलिए जो ईसाई लोग हैं, क्रिश्चियन पीपल हैं, उनको क्या करना पड़ा, उनको ये जो जेरूसलम है वो छोड़ना पड़ा, और कहाँ जाना पड़ा, बेजेंटाइन एम्पायर की तरफ जाना पड़ा, और वो अपना रिलीजन, अपना धर्म वहीं पर धीरे धीरे क्या करने लग गए, फैलाने लग गए। लेकिन जब तक इस्लाम धर्म था या फिर इस्लाम धर्म के बड़े बड़े खलीफा थे, तब क्या हो सकता है, तब जो क्रिश्चियन रिलीजन है वो क्या कर सकता है, रफ्तार नहीं पकड़ सकता, यानी कि क्रिश्चियन धर्म जो है ग्रो नहीं हो सकता। देखिए 11th सेंचुरी में क्या हुआ था, जो सल्जुक सुल्तान है उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, और उनकी डेथ के बाद जो उनका एम्पायर है पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गया था, बिखरना स्टार्ट हो गया था। अब देखिए जब जो सल्जुक सुल्तान है इनकी डेथ हो जाती है, तो ये बहुत हो सकती है कि जो क्रिश्चियन धर्म है उनको क्या मिल जाए, उनको ये राइट मिल जाए, उनके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है कि अब वो क्या कर सकते हैं, अपने क्रिश्चियन रिलीजन को और भी आगे लेकर जा सकते हैं। तो देखिए इसी वजह से जो एक क्रूसेड है, धर्म युद्ध है, वो यहाँ पर स्टार्ट होता है। अब देखिए हमने देखा जो सल्जुक सुल्तान है उनकी डेथ के बाद क्या हो गया, जो बेजेंटाइन एम्परर थे, ठीक है, बेजेंटाइन एम्परर कौन थे, एलेक्सियस, यहाँ पर आया भी है नेम उनका, एलेक्सियस। तो एलेक्सियस ने क्या किया, एलेक्सियस ने कब्जा किया, कहाँ पर किया, नॉर्दर्न साइरिया में कब्जा किया। देखिए क्या हुआ था, जो एलेक्सियस फर्स्ट थे इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, उन जगहों पर अपना क्रिश्चियन रिलीजन ग्रो करवाना स्टार्ट करवा दिया था। जैसे कौन सी जगहें थी, वो साइरिया का पोर्शन हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर जो है पूरी तरह से कौन कब्जा कर रहा था, अब जो सल्जुक टर्क हैं वो कब्जा कर रहे थे, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनको क्या चाहिए था, वो एशिया माइनर को वापस लेना चाहते थे, मतलब सीधी सी बात है, वो किस क्या अपॉर्चुनिटी लेना चाहते थे, वो क्रिश्चियन धर्म को और भी ज़्यादा नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए क्या करना चाहते थे, अलग अलग जगहों को अपने कब्जे में लेना चाहते थे, अपने अंडर लेना चाहते थे। देखिए जो पोप अर्बन सेकेंड है उन्होंने क्या किया था, एलेक्सियस के टाइम पे क्या किया था, जो उनका पवित्र स्थल था, पवित्र ज़मीन थी जेरूसलम की, उसको रीगेन में हेल्प की थी, उसको पूरी तरह से रीगेन कर, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एलेक्सियस के साथ मिलकर जो क्रिश्चियनिटी धर्म है, रिलीजन है, उसको और भी ज़्यादा फैलाने की कोशिश की। देखिए कब तक चला था, तो ये चला था 1095 से लेकर 1291 तक, यानी कि 1095 से लेकर 1291 तक जो है ये धर्म युद्ध क्रूसेड चला था, जहाँ पर जो वेस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियंस हैं
और क्या था कि जो ये हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि वेस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियंस जो है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मुस्लिम सिटीज़ के अगेंस्ट लड़ाई करने के लिए मदद की थी। और ये जो जगह थी, कौन सी जगह की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर? अब देखिए, कोस्टल लाइन वाले इलाके और साथ में जो मुस्लिम सिटीज़ थी वहाँ पर उनके बीच में खेला या फिर लड़े जाने वाला मतलब क्या है, उनके बीच में बैटल हुई जिसको किसके नेम से जाना गया, क्रूसेड के नेम से जाना गया, धर्म युद्ध के नेम से जाना गया। देखिए, कोई एक धर्म युद्ध हो गया, एक बैटल हो गई तो फिनिश, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। लगभग 3 धर्म युद्ध हुए थे, 3 क्रूसेड हुए थे। यहाँ पर किन इलाकों की बात हो रही है? यहाँ पर सीरिया की बात हो रही है, यहाँ पर जो बेजेंटाइन एम्पायर के पास वाला इलाका था उसकी बात हो रही है। आपको दिखाया भी गया था जेरूसलम, मतलब जेरूसलम में जो थी इम्पोर्टेंट चीज़ें, इम्पोर्टेंट जो बिल्डिंग्स थी उनकी बात हो रही है। जेरूसलम के कुछ इलाकों की बात हो रही है जो किसके अंदर था, सीरिया के अंदर ही था। अब देखिए, इतने सारी जो चीज़ें हमें मैप में इंडिकेट करनी हो तो हमारे लिए काम करना आसान हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको मैप भी फिल करना स्टार्ट करना चाहिए साथ साथ। देखिए, जो वेस्टर्न कंपनीज हैं वो क्यों मानती हैं, किसको किसको मानेंगी स्टूडेंट्स? तो वो क्रिश्चियनिटी को, क्रिश्चियंस को क्यों मानती है? क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियंस है, वो साइरिया के आसपास वाले एरिया में भी क्रिश्चियन धर्म को उतना ज़्यादा नहीं फैला पाए। तो अब हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि जो धर्म युद्ध हुए थे वो कौन से धर्म युद्ध थे और कितने थे। तो देखिए, पहले धर्म युद्ध की बात करें तो उसका टाइम पीरियड आप देख सकते हैं। अब देखिए, आप उसमें डायरेक्टली चेंज देख सकते हैं, वहाँ पर एंटियोक की बात की गई है। देखिए, फ्रांस और इटली के कुछ राज्य, जो फ्रांस और इटली है वो क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे कि वो वापस किस पे कब्जा कर लें। देखिए, किस पे कर लें, कि वो दोबारा से क्या कर सके, एंटियोक के ऊपर कब्जा कर लें। अब वो कब्जा इसलिए कर लें क्योंकि वो क्या कहते थे कि जेरूसलम जो है उनकी प्रॉपर्टी है। देखिए, जब ये बैटल स्टार्ट हो गई तो जो मुस्लिम लोग हैं और जूस लोग हैं उनके बीच में क्या स्टार्ट हो गई, बैटल स्टार्ट हो गई। और फाइनली जो सीरिया का फलिस्तान है वो छीन लिया जाता है। वो किन से छीन लिया जाता है? तो वो छीन लिया जाता है जो साइरिया और इटली से लोग आए थे लड़ाई करने के लिए। अब देखिए, आए तो वो लड़ाई करने के लिए थे, लेकिन वो क्या करते हैं, युद्ध हार जाते हैं। फिर यहाँ पर देखा गया है कि उनको क्या करना पड़ा, वापस जाना पड़ा। तो देखिए, जब वापस जाना पड़ा तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये अराइज होती है कि जो टर्क्स थे उन्होंने क्या किया था, क्रिश्चियनिटी के सोसाइटी में जाके, क्रिश्चियनिटी की जगह पर जाकर उन्होंने, देखिए उन्होंने क्या किया, टर्क ने इटली, मतलब ये मान सकते हैं हम, वापस कहाँ पर जाकर ने क्या किया, इटली में, यानी कि कहाँ पर जाकर, एडेसा के इलाकों में जाकर क्या कर लिया था, एडेसा पर कब्जा कर लिया था। एडेसा कहाँ पर था, ये था क्रिश्चियनिटी के इलाकों में। किन के इलाकों में बच्चों? क्रिश्चियंस के जो इलाके थे ना, वहाँ पर एक जगह थी एडेसा, उस पर किसने कब्जा कर लिया था, तो तुर्कीज ने वापस उस पर कब्जा कर लिया था। इसलिए पोप सेकेंड ने क्या किया था, पोप ने दूसरे क्रूसेड की, सेकेंड धर्म युद्ध की मांग की। अब सेकेंड क्रूसेड के अंदर भी जो पोप थे वो क्या हो गए, असफल रहे, फेल हो गए। अब वो फेल क्यों हो गए पोप? तो वो इसलिए हो गए कि हमेशा से जो जर्मन और फ्रेंच आर्मी है उन्होंने किस पे कब्जा करने की सोची, उन्होंने हमेशा दमिश्क पर कब्जा करने की सोची। आपको पता है कि जो दमिश्क है वो किसके अंदर आता है, वो इस्लाम कंट्री के अंडर ही आता है। इसलिए तुर्क के लोगों ने क्या किया था, वापस जर्मनी और फ्रांस के सैनिकों को मार दिया था। और उस टाइम पे जो सलाल अल दीन है, जो भी इजिप्ट के जितने भी इलाके थे उन इलाकों में दोबारा से क्या किया था, इस्लाम धर्म को कैप्चर कर लिया था। और ईसाइयों के खिलाफ उस टाइम पे इन्होंने क्या किया था, जिहादत छेड़ दिया था, जिहाद कर दी थी। और इन्होंने क्या किया कि जितने भी जो मान सकते हैं हमारे चर्च थे, कहाँ पर, जेरूसलम पे, तो इन्होंने क्या कर दिया, चर्च को मुस्लिम मॉस्क में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, मस्जिदों में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया चर्च को, कहाँ पर, जेरूसलम में।
इससे आप आज भी इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि जो जेरूसलम है वो किनका गढ़ बना हुआ है, किनकी जगह बनी हुई है, तो वो मुसलमानों की जगह बनी हुई है। अब देखिए, फिर भी लोग ये सोच रहे थे कि जो फिलिस्तान है उसको वापस छीना जाए, लेकिन फिलिस्तान जो है वापस छीना नहीं गया। जो लास्ट युद्ध हुआ जिसको थर्ड क्रूसेड बोला जाता है, वो फिलिस्तान के लिए युद्ध हुआ। तो लगभग ये भी कितने साल तक वॉर चला, तो ये भी चला 3 साल तक। तो उसके बाद क्या था कि जो फलिस्तान है पूरी तरह से जो मामलुक है, मामलुक कौन है, मामलुक एक रूलर थे, उन्होंने क्या किया फलिस्तान पर पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया। अब फाइनली जो थर्ड क्रूसेड है, तीसरा धर्मयुद्ध है, वो क्या हुआ, ख़त्म हो गया। तो आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि यूरोप में जितनी भी इस्लाम धर्म को मानने वाली कंट्रीज हैं वो आज भी क्या करती हैं, इस्लाम धर्म को मानती हैं। जितने भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं वो किस धर्म को मानती हैं, तो वो क्रिश्चियनिटी धर्म को मानती हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, जो इस्लाम धर्म था उसका धीरे धीरे क्या हुआ, पॉलिटिकल और कल्चरल डेवलपमेंट हुआ। तो ये थी हमारे क्रूसेड्स की बात। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों, वो आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी में किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, इकोनॉमी में हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, अर्बनाइजेशन के बारे में और कॉमर्स के बारे में। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।